अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सैयद अहमद हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल होम सर्विसेज। आज मैं दोस्तों आपके लिए ये ग्लू गन का छोटा सा रिव्यू और अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको डिब्बे में दिखाना चाहूँगा कि पहले बैक साइड से आपको मैं पूरा दिखा दूँ। ये सब चाइनीज़ में है, इधर जो है थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में इसमें दिया हुआ। अगर आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये सब इसमें टम्परेचर वगैरह का सब कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ऑपरेशन का भी दिया हुआ है, क्वेश्चंस हैं और ये सब। ये चाइनीज़ कंपनी है, इधर सब चाइनीज़ में है बॉक्स के, और इधर से आप ये देख सकते हैं ये जब भी चाइनीज़, और इधर ये इंग्लिश में भी नीचे दिया हुआ है। ये अच्छी बात है, चाइनीज़ कंपनी की है ये ग्लोगन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर कुछ फोटोग्राफ्स बनी हुई हैं। ये 15 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक का इसमें है। फिर ये इसके कुछ नीचे तो सिर्फ चाइनीज़ में, इधर ये कंपनी का नेम लिखा हुआ है, यहाँ मेड इन चाइना, और इधर से कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ। ₹450 की मैंने ये ग्लूगन खरीदी थी और ₹15 की एक मार्केट में स्टिक मिलती है। ये स्टिक आप ये देख सकते हैं, ये ताइवान की स्टिक है ये, है ना। इसको खोल दिया, इधर से भी मैं इसको अनपैक करूँ। ये इसका मैनुअल है, उस वक्त था ये कंपनी का नेम दिया हुआ है, ये सब है। और मेन ये हमारी ये ग्लू गन है। और अब आप इसको, मैं ज़रा करीब से इसको पहले मैं वायर को मैं खोल लेता हूँ। एक मीटर की इसके इसके प्लग वगैरह का 1 मीटर का इसमें है। ये ग्लू गन का है, 100 to 240 वॉट और 50 to 60 हर्ट्ज़ दिया हुआ है ये इसमें। ये देखिए, ये ऐसे यहाँ पे ये इसकी, आप ये इसकी नोजल जो होती है जहाँ से ग्लो निकलता है पिघल के, वो आप देख सकते हैं। इस तरफ से भी आप देख सकते हैं, और ये जो है इधर से आप ये देख सकते हैं, ये लाइट है और 65 वॉट की इसकी पावर कंजम्पशन। अच्छी बात है, इसमें छोटा सा ये ऑन ऑफ का बटन भी दिया हुआ है और ये स्टैंड भी दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको लगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इसको पावर, इसको ये एक्सटेंशन बोर्ड है, मैं इसमें पावर लगाने से पहले मैं तो इसको ये जो इसके ये ग्लू स्टिक है ये मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ये आप ये देख सकते हैं, मेड इन ताइवान, गोल्डन ब्रांड क्वीन कंपनी है इसका। ठीक है, अच्छा इसका ये है कि ये अभी शॉर्ट मेरा रिव्यू है इसका। तो इसको लगाने का तरीका ये इसका होल है जो इसका, जो ये आप ये देख सकते हैं, ये जो ट्रिगर है जब आप ये होल में डालेंगे तो ये नहीं दबाना चाहिए, बस आपने यूं किया इस होल में डाला, ये देखें ये होल में, और ऊपर से आप ये देख सकते हैं ये यहाँ से निकला। और अब यहाँ से पुशअप करते जाएंगे, इसे गोल गोल घुमा के जितना जा सकता है, इससे ज़्यादा अब नहीं जाएगा। अब ये हमारी ग्लू गन तैयार है। इसके बाद जो अब हम जब वो ग्लू जो इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता पुश करते हैं, तो ये जो है ये जो स्टिक है खुद ही खुद ऑटोमेटिकली ये देखें, ये जो आगे आ रहा है ना, ये खुद ही खुद स्टिक को आगे करती रहेगी। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ। मैंने ये इसमें प्लग लगा दिया,
टेंशन थोड़ा सा ये ढीला है, लेकिन देखिए अब ये ऑन का, ये ऑन ऑफ का बटन हो गया, और ये इसका स्टैंड है, इसको मतलब इस तरह करके इसको ऐसे रखते हैं। ये इसकी सही पोजीशन जो है आप ये देख सकते हैं कि ये है इसकी सही पोजीशन जो है। अब यहाँ से ये गर्म हो चुका है, तो मैं टेस्ट के लिए अभी, खैर मुकम्मल ट्यूटोरियल मैं आपको एक और वीडियो में आपको बताऊंगा, ये खैर मैं अभी टेस्ट के लिए आपको ये थोड़ा सा इसमें करके आपको दिखाता हूँ। ऐसे ये दो पीस हैं, मैं इसमें ऐसे ये करके पाइप के पीस हैं इसे चिपका के ऐसे आपको दिखाऊंगा। शुरू में जो है, जो कि अभी मैंने नई स्टिक लगाई, बिल्कुल नया ही है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको हॉट होने में, 1-2 मिनट में इसको रखे रहने देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों अब हमारी ये ग्लू गन हॉट हो चुकी होगी, तो अब मैं इसको लगाता हूँ इस पाइप के पीस पे और आपको दिखाता हूँ 2-3 मिनट। ये देखें अब ये इसको बल्कि निकलना भी शुरू हो गया है, तो आप ये बस ये देखें, मैं ऐसे ट्रिगर दबा रहा हूँ तो ये जो है इसको ग्लू जो है मेल्ट हो गया, बिल्कुल जैसे कोई सिल्वर शाइनी सी शेप आती है, तो वो मैं ऐसे ये मैंने लगा दिया। और इस वक्त मेरे पास कपड़ा नहीं है, तो ये अब बस ऐसे करके जो है ये मैंने लगा दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि करीब से ये एक पानी के पाइप का है, ये हैंड कॉक है, और ये बिजली के पाइप का। तो मैंने अभी ऐसा भी मेरे पास यही चीज़ अवेलेबल थी, तो मैंने कहा आपको ये करके दिखाऊँ, तो ये अब आप ये देख सकते हैं कितना मज़बूत ये चिपक गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो पूछें, और ये आपका अपना चैनल होम सर्जे, इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।